Welcome to Blushing Beauty. How are you doing today? I hope you all are fine. मुझे उम्मीद है guys कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे. आज का वीडियो मैं एक वीडियो लेके आई हूँ सनस्क्रीन के ऊपर. गर्मियाँ आती जा रही हैं गाइज, और गर्मियों में सनस्क्रीन की ज़रूरत हर किसी को होती है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, हर एक इंसान को सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है. बिकॉज इंडिया में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है कि हमारी स्किन बहुत जल्दी टैन हो जाती है. तो आइए देखते हैं कौन सा सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है. आज मैं आपको एक रिव्यू करने वाली हूँ लोटस सनस्क्रीन के ऊपर. लोटस हर्बल सनसेफ यूवी सनस्क्रीन मैटे जेल, दिस इज़ द सनस्क्रीन. मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी. ये सनस्क्रीन की मैंने जो ट्यूब है नायका से परचेस किया था गाइज. आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सारी वेबसाइट्स में ये अवेलेबल है. और ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है गाइज, आप कोई और भी सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन. ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइज. ये सनस्क्रीन मैंने 440 रुपीज़ का लिया था, आप देख पा रहे हैं 440 रुपीज़ का. और ये 100 ग्राम का ट्यूब है. 100 ग्राम का ट्यूब एक गर्मियों के लिए सफिशिएंट होता है गाइज. आप एक ट्यूब बड़ा ख़रीद लीजिए, आपकी गर्मियाँ निकल जाएंगी. इसमें छोटा ट्यूब भी अवेलेबल होता है 50 ग्राम का, बट मैंने ये बड़ा ट्यूब परचेज़ किया था. ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि ये SPF 50 है. ये आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है SPF 50. ये 50 सनस्क्रीन है और UVA और UVB प्रेजेंट है इसके अंदर, और PA++ भी है. ये सारे स्किन वाले लगा सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन टोन सबके लिए है ये. और ये जेंट्स भी लगा सकते हैं, स्पेशली जेंट्स भी लगा सकते हैं. इसके लिए वजह क्या है गाइस, इसकी मैं दिखाती हूँ किस तरह का है. ये देख पा रहे हैं इसका क्रीम का टेक्स्चर है. क्रीम का टेक्स्चर मैं आपको यहाँ लगा के दिखाती हूँ. ये देखिए किस तरह से क्रीम का है, लेकिन ये दिखने में ही वाइटिश क्रीम तरह का है. एक्चुअल में जब आप इसे लगाएंगे इस तरह से तो ये जेल फॉर्मेट में आ जाएगा. देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, देख पा रहा है ये कितना ट्रांसपेरेंट सा लग रहा है. और ये इस तरह से आपको लगा लेना है, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई भी वाइट तरह का पैच नहीं देता है. जैसे बहुत सारे सनस्क्रीन होते हैं उसमें फाउंडेशन मिक्स होता है, तो जब भी आप वो सनस्क्रीन लगाते हैं तो वाइटनेस ही लगती है आपको. कुछ होते हैं ऑयली होते हैं तो ज़्यादा पसीना आता है, बट ये जेल फॉर्म में है तो ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले और नॉर्मल स्किन टोन वाले इसे लगा सकते हैं. ये बॉयज़ भी लगा सकते हैं बिकॉज इसमें कोई भी टेक्सचर नहीं है, इसलिए ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा है. SPF 50 के साथ है. और ये सनस्क्रीन कहता है, ये दावा कर रही है कंपनी कि आप इसको बेस्ट रिजल्ट के लिए हर 2 घंटे में अप्लाई कीजिए गाइस. बट ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है, लास्ट ईयर मैंने ये यूज़ किया था और इस साल भी मैंने यूज़ किया है. तो ये मैं सनस्क्रीन अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे में एक बार लगाती हूँ और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है इसका. मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है इसलिए मैं इसे 3 से 4 घंटे में लगाती हूँ. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे 2-3 घंटे में लगा लीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है. आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सनस्क्रीन कैसा लगा गाइस. बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है, मस्ट ट्राई. गर्मियों को रोकने के लिए सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपकी जो सूरज की किरणें डायरेक्ट फेस पे पड़ती हैं, आपका फेस कवर नहीं होता है, कवर होने के बाद भी वो आपको हार्मफुल कर देती हैं. इसलिए आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.